नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले दो दिनों का समय आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाले हैं। जी दोस्तों, एक तरफ जहां आपकी किस्मत बदलेगी, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो दुश्मन आपको परेशान किया करते थे, जो दुश्मन आपके रास्तों पर कांटे खड़ा करते थे, दोस्तों यश में उनकी जो बुरी आदत है, उनकी फांसी की फंदा गले लटकेगी। जी दोस्तों, एक प्रकार से कहें कि आपके जुनकाल से अब दुश्मनों का नाश होने वाले हैं। जो भी दुश्मन है आप सभी के जुनकाल से हटेंगे, और दोस्तों ये सभी कार्य भगवान भोलेनाथ और शनिदेव करने वाले हैं। आप सभी के जुनकाल में आने वाली दो दिनों के अंदर ग्रहों की भी बहुत ही प्रबल संभावनाएं बन रही है कि आपको यथासंभव लाभ की प्राप्ति होगी। जी दोस्तों, अगर आप इस लाभ के गोचर में, अगर आप इस लाभ के स्थिति में एक दो कार्यों को करने से बच जाएंगे, एक दो चित्रों में अगर आप सावधान रहेंगे, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि जीवन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण वस्तु को आप प्राप्त करने वाले हैं। क्यों दोस्तों, दो दिनों का समय आप सभी के जीवन काल के लिए सबसे बड़े अच्छे समय साबित होंगे। यश में ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी बन रही है। यश में ग्रहों का यह स्थिति दर्शा रही है कि आपके जीवन काल में सात बड़े नए शुभ समाचार आपको दिलाने वाले हैं। जी दोस्तों, और यश में आप शिव के जुन काल में एक या कुछ खबरी होगी कि आपके शत्रुओं का नाश होगा। और भी दोस्तों, आप शिव के जुन काल में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है, इन सभी के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ और शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जय भोलेनाथ लिख दें। भगवान भोलेनाथ और शनिदेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बोलने का रहस्य जानो। थोड़ा बोलना बुद्धिमत्ता का लक्षण है। संसार की अनेक उलझनों में सुरक्षित रहने के लिए अपनी जिह्वा को वश में रखना अति उत्तम साधन है। मीठा वचन शहद के समान होता है, जो आत्मा को प्रसन्नता और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। बुद्धिमान सोच कर बोलता है और मूर्ख बोल कर सोचता है। बोलने से पहले तो शब्द हमारे अधीन होते हैं, पर बोलने के बाद आप उनके अधीन हो जाते हैं। हमारी भाषा में अमृत भी भरा है और विष भी। चाहे जो निकाल लो, अमृत निकालोगे तो सुखी रहोगे और विष निकालोगे तो दुखी रहोगे। मीठा बोलने वाले की संगत के सभी अभिलाषी होते हैं। वह जहाँ जाता है आदर पाता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अगर आपको सच्चा लगा हो, समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों, के साथ बात करते कि आने वाले दो दिनों के अंदर घरों की बदलती चाल आपके घर के माहौल में, पारियोजन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं। दोस्तों, यश में जीवन के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहेगा। आपका रहन सहन तथा बोल चाल का तरीका जो है, सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करेगा। घर में भी कोई शुभ मांगलिक कार्य संपन्न होने जैसी योजनाएं बनेंगी। विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में भूमि की खरीद फरोख्त करते समय पेपर्स की अच्छी तरह से जांच पड़ताल अवश्य करें। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, उनकी वजह से आपके मान सम्मान पर आंच आ सकती है, तो इन बातों पर आपको यश में गौर करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें पैसे से संबंधित व्यवहार पर पूरी तरह से आपका नियंत्रण होने की वजह से जो भी बातों में आपको बदलाव चाहिए, वह बातें आपके मन के मुताबिक होंगी। दूसरों के द्वारा साथ मिलने की अपेक्षा रखना आपको दुखी कर रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल यश में अपने मार्ग पर अकेले चलने के लिए ही मन को तैयार रखें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि दिनचर्या में कुछ अप्रत्याशित बदलाव भी महसूस करेंगे। आप हर परिस्थिति का मुकाबला हिम्मत व फिर साहस से करेंगे। खासतौर पर महिलाओं के लिए जो समय है, बहुत ही सुकून भरा साबित होगा। नई योजनाएं बनेंगी और परिस्थितियां लाभदायक रहेंगी। इसके उपरांत यश में किसी नजदीकी संबंधों से विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए संयम रखें। अपनी क्षमता से अधिक काम करने से आप बचें। यश में इनका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दोस्तों, काम के बीच बीच में आराम भी लेना आपके लिए उचित होगा।
पुरानी नकारात्मक बातों को याद ना करें, वर्तमान में रहकर आपको अपने कार्यों को करें। इसके उपरांत दोस्तों यीशु में फिलहाल आप वक्त केवल परिस्थिति और खुद का अवलोकन करने में ही बर्बाद कर रहे हैं। जिन बातों में बदलाव लाने की आवश्यकता है उन बातों पर काम करना यीशु में अत्यंत आवश्यक होगा। आपको बता दें कि अपने वक्त को बर्बाद ना करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की यीशु में आप कोशिश करते रहें, आपको अवश्य एक अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसके उपरांत दोस्तों यीशु में ग्रह स्थिति पूर्णतः अनुकूल है। यीशु में अध्यात्म और अध्ययन संबंधी कार्यों में भी बेहतरीन समय व्यतीत होगा। कोई शुभ सूचना भी मिलेगी। सामाजिक तथा राजनीतिक कार्य में अपना वर्चस्व बढ़ाने से समय आपका उत्तम होगा। इसके उपरांत दोस्तों यीशु में संतान की पढ़ाई से संबंधित कुछ चिंता रहेगी। अजनबी लोगों पर भरोसा न करें। ध्यान रखें कि आलस व फिर बहुत अधिक सोच विचार करने से ही समय व्यर्थ हो सकता है, तो दोस्तों इनसे बचें, इससे आपकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यीशु में नए लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाते समय सतर्कता रखने की भी आवश्यकता होगी। गलत व्यक्तियों का साथ परिचय होना आपके लिए मानसिक और फिर आर्थिक रूप से नुकसानदायक होगा। आपको बता दें कि यीशु में अपनी भावनाओं पर काबू रखना आपको सीखना होगा। इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बहुत अधिक व्यस्तता के बावजूद भी आप अपने परिवार व फिर संबंधियों के लिए समय निकालेंगे तथा खुशनुमा समय व्यतीत होगा। आपकी कार्य कुशलता द्वारा उम्मीद से ज्यादा आपको सफलता मिलेगा, उम्मीद से ज्यादा आपको लाभ होगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या से आपको राहत मिलेगी। इसके उपरांत दोस्तों किसी भी प्रकार की यात्रा करने से परहेज करें, कुछ विरोधी आपके लिए विपरीत परिस्थितियां बना सकती है। इसलिए दोस्तों यीशु में किसी पर अधिक विश्वास ना करें तथा चौकन ना रहें। और दोस्तों यीशु में घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रह सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके लिए समय होंगी, दोस्तों आपको बता दें कि आपका अधिकतर वक्त परिवार के लोग और व्यक्तिगत रिलेशनशिप को ठीक करने में ही व्यतीत हो सकता है। आपको बता दें जिनकी वजह से आपको मानसिक समाधान तो प्राप्त होगा, लेकिन किन रिश्तों पर आपको कितना निर्भर रहना है दोस्तों और कितना ध्यान देना है, इस बात को यीशु में समझने की भी आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यीशु में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यीशु में व्यवसायिक गतिविधियां घर पर ही रहकर सुचारू रूप से क्रियान्वित करते जाएंगे। फोन और संपर्कों के माध्यम से सब व्यवस्था हो जाएगी। आपको बता दें शेयर्स आदि में निवेश करने का उत्तम समय होगा, परंतु उसके बारे में उचित जानकारी अवश्य ले लें। इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यापारिक गतिविधियों में सुधार भी आएगा। सिर्फ थोड़ी सी सूझबूझ से आपको काम लेने की जरूरत होगी। यीशु में उपलब्धियों वाला समय होगा, योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों का अंजाम दें। इसके उपरांत दोस्तों आर्थिक स्थिति तो आपके यीशु में बेहतर होंगी ही, परंतु आपका जो घर का माहौल है उनमें भी सुधार आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यीशु में आर्थिक मामलों में कुछ मनन व फिर चिंतन करने की भी जरूरत होगी। व्यवसाय में कार्य प्रणाली संबंधित नीतियों पर विचार विमर्श जरूर करें। अगर कोई विभागीय जांच चल रही है तो दोस्तों उसका परिणाम आपके पक्ष में ही होगा, इसलिए इसमें तनाव अपने ऊपर हावी न होने दें। इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव का वह फिर दबदबा बना रहेगा। नए ऑर्डर भी आपको मिलेंगे। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, इस बात पर आपको यीशु में गौर करना चाहिए तथा अपने काम की क्वालिटी को भी और अधिक बेहतर बनाने की प्रयास करना चाहिए। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की राय आपको यीशु में व्यवसाय के निर्णय लेने में सहायक साबित करेंगे, तो दोस्तों उनकी सलाह यीशु में आप ले सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यीशु में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों यीशु में व्यवस्था के बीच परिवार के लिए भी समय अवश्य निकालें। प्रेम संबंधों में यीशु में प्रगढ़ता आने वाली है तथा विवाह के योग भी बन रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यीशु में आपके लव लाइफ में बहुत अच्छा संबंध रहेगा। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। दोनों एक दूसरे के लिए बात व फिर सलाह को अहमियत देंगे, परंतु व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय इसमें नष्ट ना करें, ये आपके लिए उचित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों दाम्पत्य जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें, प्रेम संबंधों की भावना जो है प्रधान बने रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यीशु में पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल भी रहेगा। घर के माहौल में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होगी, परंतु विवाहेतर संबंधों से दूरियां बनाकर रखें, ये आपके लिए उचित होंगे।
इसके उपरांत दोस्तों यशोमी अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यशोमी आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे सिर दर्द व फिर माइग्रेन की समस्या परेशान करेगी। बादी अथवा बासी भोजन खाने से परहेज करें। इसके उपरांत दोस्तों यशोमी आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें छाती से संबंधित कुछ परेशानी होगी, परंतु यह मौसमी बदलाव की वजह से हो सकता है। सर्दी से अपना उचित बचाव रखें। इसके उपरांत दोस्तों यशोमी आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों किसी किसी समय थकान और आत्मबल की कमी महसूस होगी। कुछ समय अध्ययन और मेडिटेशन पर अवश्य व्यतीत करें, ये आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके साथ दोस्तों यश समय अगर आप सावधानी को रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। हल्की फुल्की मौसमी परेशानियाँ आपको हो सकती है, जरा सी सावधानी आपको स्वस्थ रखें।